हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडीज़। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जो अपने पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया था मैंने, रेशियो एंड प्रिपरेशन। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रिपरेशन में उसमें मैंने दिया था रेशियो एंड प्रिपरेशन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब इसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसने भी पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, जब तक आप पार्ट फर्स्ट नहीं देखोगे तो आपको पार्ट सेकेंड भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए जाके पहले इसका रेशियो एंड प्रिपरेशन का जो टॉपिक है, इसका पहले पार्ट फर्स्ट जाके देखो इंट्रोडक्शन, इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब इसके मैं बेसिक लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा और टफ से टफ लेवल तक आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। ठीक है, तो जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन, जिससे कि आप तक जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ़ 1 kg ऑफ एप्पल्स कॉस्ट ऑफ 8 एंड 1 kg एंड ऑफ ऑरेंज कॉस्ट रेस 5 rupees। ठीक है, व्हाट इज रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एप्पल्स टू द कॉस्ट ऑफ द ऑरेंज। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है इफ 1 kg ऑफ एप्पल्स कॉस्ट 8 rupees। ठीक है, तो इसमें अपन भी लिखेंगे, यहाँ पर इसमें बताया हुआ है कि एप्पल कितने, 1 kg एप्पल 8 rupees के हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया हुआ है, 1 kg एप्पल कितने का बता रहे हैं, 8 rupees के। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ एप्पल पर केजी, ठीक है, अपॉन प्राइस लिखा है ना ऑरेंज का। ठीक है, कितने का, 1 kg ऑरेंज कितने का है, 5 rupees का। ठीक है, ऑफ ऑरेंज पर केजी। ठीक है, अपन दोनों का निकालना है। ठीक है, तो इसमें प्राइस, ये प्राइस ऑफ एप्पल का प्राइस कितना दिया हुआ है, 8 rupees। ठीक है, प्राइस ऑफ ऑरेंज पर केजी कितना है, 5 rupees। ठीक है, अब जैसे मैंने उसमें आपको बताया था पार्ट फर्स्ट में, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल है कि आपको रेशियो निकालना है इसमें ओनली। तो रेशियो में आपको क्या करना है कि जो ये आपकी वैल्यू है इससे 8 है। ठीक है, तो ये आपका कट तो रहा नहीं है, इससे छोटा तो कोई आएगा नहीं। ठीक है, वैल्यू एक दूसरे से नहीं कट रही है, तो सबसे छोटी वैल्यू यही है। रेशियो रेशियो तब निकलता है जब सबसे छोटी से छोटी रेशियो, वो जो इसको होते ना, सबसे छोटी से छोटी को उसमें आया, जब आपका सबसे छोटे से छोटा वो आ जाए ना वैल्यू, तो सबसे छोटे से छोटे वैल्यू को अपन रेशियो बोलते हैं। तो सबसे छोटा यही है, हट नहीं रहा है ना, तो इसको अपन 8:5, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर आपको ये तो मैंने आपको बताया था पूरे टेक्निक के साथ। ठीक है, अब आपको सिंपल कॉम्पिटिटिव में आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना पड़ता है, तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में सिंपली समझ में आ रहा है, इसमें 8 और 5 दिया हुआ है। ठीक है, 8 और 5 को अपन को इसमें पूछा गया है कि कॉस्ट ऑफ द ऑरेंज, ठीक है, रेशियो ये पूछा है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एप्पल ऑफ टू रॉयल और कॉस्ट ऑफ द ऑरेंज। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको चेक करना है, अगर इधर इसकी जगह 5 की जगह इधर 4 दिया होता। ठीक है, तो 4 × 4 = 8, तो इसका रेशियो क्या आता है, 2:1। ठीक है, आता ना यही है। अब इसका क्या दिया हुआ है, 5 and 5। ठीक है, 8 and 5 दिया हुआ है इसका, तो 8 and 5 की जगह कटेगा तो है नहीं, तो ये कितना आएगा, 8:5। तो आपको सिंपली लिख देना है, अगर कट रहा हो वैल्यू तो कट देना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं कट रहा है तो आपका सिंपली आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, आई अब चाहिए आप, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। अब इससे ये तो सबसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, ये तो कुछ क्वेश्चन नहीं है, सबसे सिंपल था। अब चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की साइड। ठीक है, तो आइए, ये रहा आपके सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने। सेकंड क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ 8 cm to 3 cm। ठीक है, तो इसमें 8 cm दिया हुआ है, लेकिन अपन को 3 meter है ना, इसको अपन को सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 meter बराबर कितना होता है, 100 cm होता है ना, 1 meter बराबर कितना होता है, 100 cm। तो 3 meter बराबर कितना होगा, 3 × 100।
ठीक है, अपन को इस वैल्यू को इधर ही छोड़ देना है, ठीक है। अब अगर चलते हैं इसको आगे सॉल्व करने के लिए, तो अपन क्वेश्चन में लिखेंगे द रेशियो, द रेशियो ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर, ठीक है, बराबर कितना होगा, 3 मीटर बराबर। अब इसका एक होता है, वो होता है फॉर्मूला, ठीक है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब इसमें अपन लगाएंगे कितना, 3 मीटर, फिर काट देते हैं, 3 मीटर बराबर 8 × 8/, ये लिखा हुआ है ना, 3 × यहाँ पर रख दे रहे हैं अपन इसको 100, ठीक है। तो इधर इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आपका कितना निकलेगा, कुछ इतना निकलेगा, 2/75, ठीक है। अब ये अपन वैल्यू काटेंगे, अब अगर अभी वैल्यू काटेंगे, अपना वैल्यू पूरा आ गया रेशियो का, ठीक है, ये अपना रेशियो पूरा आ गया ना, इसको काटोगे किसी हिसाब से, ये कट नहीं रहा है वैल्यू, ठीक है। अगर कटेगा तो पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में आएगा तो ये रेशियो नहीं कहलाएगा, इसलिए अपन जैसा का है वैसा रख देंगे, 2:75, इसका क्या हुआ आंसर। सिंपली सॉल्व था ना, इसमें कुछ था नहीं, ये उससे थोड़ा सा ऊपर के लेवल का था, सेकेंड लेवल मान सकते हो आप, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली सॉल्व करना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे हुए तो आपको कुछ ये लिखना नहीं होगा, आपको ऑनली सिर्फ यहाँ पे देख रहा होगा 3 मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, 300 लिख दो डायरेक्ट, और उसके बाद इतना सा इतना ये करके ना, इतना 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 सॉल्व करके डायरेक्ट आपको जो आंसर निकल के आएगा, ठीक है, तो उसको आप वैल्यू वहाँ पे आंसर टिक आराम से लगा सकते हो, ठीक है। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, आते हैं अपन थ्री जो थ्री क्वेश्चन की साइड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इससे भी टफ है, मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, थर्ड लेवल का जो होता है वो तो वैसे क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा भी बेसिक बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, और टफ तक ले जाऊँगा आपको, ताकि आपको हर क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ सके, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की साइड, तो थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फ्रेंड्स ये रहा आपके सामने तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इन्होंने, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40 एंड डिफरेंस इज 4, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, द सम ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। तो अपन टू नंबर्स को एक्स वाई मान लेंगे, ठीक है, यहाँ पे अपन लिखेंगे लेट दी टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, ये अपन ने कोई टू नंबर माने हैं एक्स और वाई, ठीक है। अब लग देंगे यहाँ पर, करेंगे अपनी वैल्यू पुट, ठीक है। तो सम ऑफ द नंबर अब एक बार इसको माइनस करेंगे, एक बार इसको प्लस करेंगे, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई बराबर 40 और एक्स माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। इसका डिफरेंस बताना, डिफरेंस ऑफ द नंबर, ठीक है, डिफरेंस ऑफ द नंबर क्या हुआ, एक्स माइनस फोर बराबर एक्स माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। ये अपनी वैल्यू अपन ने मानी हुई थी, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, प्लस ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा 2x, इसको प्लस करेंगे तो क्या बचेगा 2x बराबर 44, ठीक है। तो 2x बराबर 44, x बराबर 44 अपॉन 2 के बराबर कट के कितना आएगा 22, ठीक है। तो अपने इस वैल्यू को जो 22 आई है, ये किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू। तो अपन जो जो अपना इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ है, इसमें इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड दिया हुआ था, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट दिया है उसमें ये 22 एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, किसमें, एक्स प्लस वाई में, इसमें पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। तो क्या अपन क्या लिखेंगे इधर, सब्स्टिट्यूट दिस नंबर, दिस वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू ऊपर किसे पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे वैल्यू, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे तो एक्स की जगह क्या आएगा 22,
एक्स की वैल्यू क्या है 22, ठीक है, 22 प्लस वाई है ना, अब वो पूरा जैसा था वैसा का वैसा रख देंगे 40। फिर क्या होगा, ये क्या होगा, ये इधर वाई इधर आएगा, वाई बराबर तो 22 उधर जाएगा तो प्लस से माइनस में होगा, ठीक है, 22 प्लस से माइनस में होगा तो 40 माइनस 22 इक्वल टू कितना आएगा 18, ठीक है, ये आपको निकल के आ गया। तो एक्स अपॉन वाई बराबर कितना निकल के आया, ये एक्स की वैल्यू कितनी है 22 और इसका कितना है 18। अब इसको काटो, कितने से कट रहा है, ये कट रहा है 11 हो जाएगा, इधर 2 से कटेगा, 2 9 18, ठीक है, ठीक है। अब ये 11 तो कट नहीं रहा ना, 9 कट रहा है, तो ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका रेशियो, तो एक्स अपॉन वाई बराबर 11 अपॉन 9, यही अपन रेशियो में इसको पुट कर देंगे, सबसे छोटी संख्या है, तो एक्स रेशियो वाई बराबर 11 रेशियो 9, ये आपका क्या हो गया आंसर। सिंपली सॉल्व, सिर्फ उससे ज़्यादा बड़ा नहीं था ये क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन की साइड, ठीक है, फोर्थ भी कुछ नहीं है, ये अपन पढ़ रहे हैं अभी रेशियो, इसके बाद आएंगे अपना प्रोपोजिशन, ठीक है, पहले अपन रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे अपन प्रोपोजिशन। तो आइए अपन चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की साइड। फ्रेंड्स, अभी तो मैं आपको पढ़ा रहा था कौन सा, अभी पढ़ रहे थे अपन कौन सा, मतलब डिटेल में, ठीक है। तो अब करते हैं अपन कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के उससे, कि अपन को कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में कितने से शॉर्ट ट्रिक से शॉर्ट ट्रिक में अपन उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये अपना रेशियो प्रिपरेशन के क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1:3 इक्वल टू 1/2/3 रेशियो एक्स, द वैल्यू ऑफ द एक्स इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या मानते हैं अपन एक्स, ठीक है। तो अपन एक्स करते हैं इसको, एक्स इंटू 1 इक्वल टू 1/2/3, मतलब 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 5, मतलब 5/3, तो ये कितना क्या होगा एक्स बराबर 5, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 5, ठीक है। ऐसे ही करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हाट नंबर हैज 5:1:2 इन नंबर 10 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका अपन को सॉल्व करना, तो सिंपली क्या करना है अपन को, 5:1 इक्वल टू, माना कि एक्स इक्वल टू 10, जो अपन बचपन से मानते आ रहे हैं एक्स को, मैथ में तो वो मानना ही पड़ता है, बिना एक्स के कुछ होते ही नहीं है। ऐसे सब्जी में आलू का राजा, और सब्जियों का राजा आलू है, ऐसे इसमें अपना एक्स होता है मैथ का राजा, ठीक है। तो अपन करते हैं एक्स इक्वल टू 50, 5 10 50, ठीक है। इसका आंसर कहाँ है, बी वाला, ठीक है। सिंपली सॉल्व करते जाना है, इसमें कुछ आपको करना नहीं है। और अपना आते हैं अब तीसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो, इफ़ ए रेशियो बी इक्वल टू 7:5 एंड बी रेशियो इक्वल टू 9:11 एंड फाइंड ए बी सी, ठीक है। तो अपनों को क्या फाइंड करना है, ए बी और सी। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे ए रेशियो बी 7, नहीं हाँ, इसको अपन ऐसे लिखेंगे ए अपॉन बी इक्वल टू 7/5, ऐसे लिख सकते हैं अपन, ऐसे छोड़ो, ए रेशियो बी इक्वल टू 7:5 एंड बी रेशियो सी इक्वल टू 9:11, ठीक है। अब इसको अपन को किसकी वैल्यू लानी है, ए बी सी की। तो अपन इसको ओपन करेंगे क्या, इनटू, ठीक है, क्योंकि अगर ये नंबर सेम होती, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर ये नंबर सेम होती, ठीक है, कैसे वो सेम होती, जैसे कि अपन इधर नंबर दो तीन नंबर लिखे होते और ये 5 5 होता, तो इधर अपन क्या लिख देते, जैसे इधर 5 5 होता तो 7 5 और आगे जो होता वो लिख देते, ठीक है। जैसे इसको ऐसे लिखते, जैसे अभी मैं आपको ये वाला बता दूँ, उसके बाद बताऊँगा, ठीक है। जैसे ए रेशियो एस पे अपन कर देंगे इन टू, तो कितना होगा 11 5 55, इधर से स्टार्ट करेंगे पीछे से, फिर 7 5 45, फिर क्या होगा 7 9 63, ठीक है। तो इसमें से आपका आंसर कौन सा आ रहा है, 63 45 55, ये वाला आंसर, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रहा था, इसमें अगर इधर बता देता हूँ आपको, इसमें अगर 7 ऐसा होता कि ए रेशियो बी इक्वल टू 7:5
ठीक है, और बी रेशियो सी इक्वल टू नाइन रेशियो फाइव, नहीं हाँ 5:9, ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा होता, जैसे एक सेम डिजिट होती है सेम, ठीक है, ऐसे ऐसे अपना दिया होता। इसमें क्या होता अपना कि इस पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना होता, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, ये दे दी उन्होंने कि ए बी सी की वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ए आपका ए हो गया, ए आपका बी हो गया, ए आपका सी हो गया, ठीक है। तो ये आपकी सिंपली इसमें ए बी सी की वैल्यू निकल आती है, ठीक है। ये तो होगा आपका सिंपली क्वेश्चन। ये तो आपने, मैंने आपको दोनों ट्रैक में समझा दिया कि अगर दोनों ट्रैक में किसी भी ट्रैक में आ जाता है आपका क्वेश्चन तो आप सिंपली उसमें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन की साइड। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ़ ए रेशियो बी इक्वल टू 3:4 और बी रेशियो सी इक्वल टू 7:9 एंड सी रेशियो डी इक्वल टू 5:7, फाइंड ए और डी को फाइंड करना है इसमें, ठीक है। तो अपन इसमें सिंपली लिखेंगे ए अपॉन डी, ठीक है, इक्वल टू 7 अपॉन में ले लेंगे अपन, इसमें 3/4, ठीक है, इंटू सबका इंटू करेंगे अपन, ठीक है, 7/ कितना लिखा हुआ है ये 7/9 और इंटू 5/7, ठीक है। अब सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, 7 से 7 काट दिया, 3 1 जो 3, 3 3 जो 9, 4 3 जो 12 और ऊपर 5 तो बचा ही हुआ है, तो ये आपका आंसर क्या हो गया, 5:12, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 5:12, तो ये आपका फोर ये वाला इसका आंसर हो गया। ऐसे सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो मैंने आपको पढ़ाया बेसिक क्वेश्चन को बताया है कि आप मतलब बेसिक क्वेश्चन ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो आप मैंने आपको बताया है, ठीक है। एक करते हैं अपन इन्वर्स वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है इन्वर्स, मैंने आपको इन्वर्स वाला नहीं बताया है, ठीक है। तो इन्वर्स वाला क्वेश्चन दिया हुआ क्या दिया था, इन्वर्स रेशियो ऑफ 3:2:1, ठीक है। तो अपन कुछ नहीं करना है, सिंपली पीछे से स्टार्ट करेंगे, इन्वर्स है वो तो, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है, विलोम अनुपात, क्या होता है, विलोम अनुपात, ठीक है। तो इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, पीछे से लेते हैं तो 1/1:2/1/2:1/3, ठीक है। अब आपस में इनका कर देते हैं इनटू, तो आपका कुछ ऐसा निकल के आएगा 2:3:6, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर, इसका आंसर होगा 2:3:6, आंसर इज राइट, ठीक है। ऐसे आपको सिंपली सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, ये आपका इनवर्स वाला क्वेश्चन हो गया है। ऐसे ही मैं आपको आगे नेक्स्ट, ये तो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूरा चैप्टर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है अपना, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट में आएंगे, अपन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे अपन कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि आपको आ सके, शॉर्ट ट्रिक एंड सिंपल एंड स्मार्ट स्टडीज के साथ, जिससे कि आप कर सकें सिंपल एंड सबसे सिंपल। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को पसंद आई तो लाइक जरूर करें और अगली वीडियो का वेट करें। थैंक यू।